हाई किड्स स्टैंडर्ड 1 वैल्यू एजुकेशन मतलब मोरल साइंस, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। चलिए पेज नंबर 7, चैप्टर 3, आई लव माई पेरेंट्स मतलब मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूँ। लव योर पेरेंट्स, दे डू सो मैनी थिंग्स फॉर यू। आपको अपने मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए, करते हो ना? हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? हमें अच्छा अच्छा सिखाते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, हमें घुमाने ले जाते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, है ना? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। योर पेरेंट्स गिव यू गिफ्ट्स ऑल द टाइम, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा ही गिफ्ट्स देते रहते हैं, है ना? अगर आपका कुछ बर्थडे हो या फिर कोई स्पेशल दिन हो या फिर आपने कुछ अगर मांगा हो और आपको सरप्राइज दे, ऐसा कुछ हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहते हैं। डू यू ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू योर पेरेंट्स समटाइम्स? लेकिन क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा को कोई गिफ्ट दी है, कभी दी है? इफ़ यस, व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन टू देम? अगर दी है तो अभी तक की आपने कौन सी सबसे अच्छी गिफ्ट दी है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, यस मैंने दी है। क्या दिया है? आई गेव हग, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई प्रे फॉर देम, एंड आई लव माई मदर एंड फादर, आई लव माई पेरेंट्स, है ना? क्या दिया है? हग दिया है, गले लगाया है बहुत सारी बार, प्यार करते हैं हम हमारे पेरेंट्स से, हम उनके लिए हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, हमेशा हमारे साथ रहे, उन्हें कभी कोई मुसीबत उन पर ना आए, है ना? चलिए, रीड दिस स्टोरी अबाउट टू लिटिल चिल्ड्रन टू नो व्हाट गिफ्ट दे गिव टू देयर मदर ऑन हर बर्थडे। ये किसके बारे में है चैप्टर? इन दोनों बच्चों के बारे में जो अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए, द बेस्ट गिफ्ट, ये गिफ्ट कैसी होगी? बेस्ट होगी, सबसे अच्छी वाली होगी, अब तक की बहुत सारी अच्छी वाली। अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी जल्दी, सुबह सुबह, बहुत जल्दी। सानिया एंड सोहेब, ये सानिया और ये सोहेब, एंटर मम्मीज रूम, वो अपनी मम्मी के कमरे में गए, वो जल्दी से उठ गए थे आज, क्यों? चलिए देखते हैं। दे आर कैरिंग अ स्मॉल रेड बॉक्स, अरे उनके हाथ में कुछ दिख रहा है, क्या है? स्मॉल रेड बॉक्स, उनके हाथों में एक बॉक्स है। इट इज़ टाइड विथ येलो रिबन्स, ये लाल बॉक्स जो है वो येलो रिबन से बंधा हुआ है, मतलब कुछ गिफ्ट है। चलिए, इट हैज़ येलो स्टार्स एंड स्टिकर्स पोस्टेड ऑन इट, ये रेड बॉक्स है वो प्लेन नहीं है, उसके ऊपर स्टिकर्स चिपकाए हुए हैं, जो स्टार्स है, स्टार्स के स्टिकर्स चिपकाए हुए हैं ना, तो बॉक्स अच्छा दिख रहा है। लाल बॉक्स है, उसके ऊपर येलो स्टार्स है, स्टिकर्स है, येलो रिबन से उससे पैक किया हुआ है, अच्छी सी गिफ्ट लग रही है देखने पे तो। चलिए, द चिल्ड्रन से हैप्पी बर्थडे मम्मी, बच्चों ने क्या बोला? हैप्पी बर्थडे मम्मी, हमारी मम्मी का बर्थडे होता है तो हम विश करते हैं ना, मम्मी हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही इन दोनों बच्चों ने भी अपनी मम्मी को विश किया हैप्पी बर्थडे। दे गिव द बॉक्स टू हर, जो बच्चे गिफ्ट लेके आए थे रेड बॉक्स में, उन्होंने अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी हग्स देम एंड सेज, मम्मी ने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लिया, अरे वाह मेरे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, चलिए चलिए बहुत मज़ा आएगा, है ना? अगर हम अपनी मम्मी या पापा को कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ लेके आया है, अरे वाह
कितना खुश होते हैं हमसे, है ना। थैंक यू, मम्मा ने क्या बोला, थैंक्स बोला। अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, ऐसा। तो उसी तरह मम्मी ने भी बच्चों को थैंक्स बोला। माय लिटिल एंजल्स, मेरे दोनों अच्छे बच्चे। एंजल्स मतलब परियां होती है, लेकिन यहाँ पे अपने बच्चों को बोला है तो वो क्या मीनिंग में होगा, मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे हमारी मम्मी हमें बोलते हैं ना, हमारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तो मम्मी ने थैंक्स बोला और बच्चों को हग किया। सानिया एंड सोहेब सीट नेक्स्ट टू मम्मी, दोनों बच्चे ने मम्मी को गिफ्ट दे दिया और उनके बाजू में बैठ गए। दे वेट फॉर हर टू ओपन द गिफ्ट, दोनों राह देखने लगे किसके लिए, कि मम्मी कब ये बॉक्स खोलेगी। तो दोनों बच्चे बैठ गए कि मम्मी मम्मी बॉक्स खोलिए, देखिए इनमें क्या है। स्लोली शी अनटाइज द रिबन्स एंड ओपन द बॉक्स, धीरे से मम्मी ने रिबन को खोला और बॉक्स को ओपन किया। बट इट इज़ एम्प्टी, क्या था, खाली था, एम्प्टी था बॉक्स, क्या था, खाली। अनटाइज मतलब ये रिबन जो पैक किया हुआ था बॉक्स को, उस बॉक्स को खोल दिया, अनटाइड किया, जो बंद है उसे खोलना, उसे बोलते हैं अनटाइज। मम्मी ने गिफ्ट खोला लेकिन बॉक्स में तो कुछ था नहीं, बट इट इज़ एम्प्टी, खाली था वो तो। चलिए टर्न अ पेज, देखते हैं क्या हुआ। मम्मी इज सरप्राइज्ड, बच्चों ने गिफ्ट तो दिया लेकिन बॉक्स तो खाली था, तो मम्मी को सरप्राइज हुआ। अरे ये कैसी बात है, गिफ्ट दिया लेकिन वो भी खाली बॉक्स। सी सेज चिल्ड्रन वेर इज़ माई गिफ्ट, तो मम्मी ने बोला बच्चों मेरी गिफ्ट कहाँ पे है, मुझे गिफ्ट दिया, बॉक्स दिया लेकिन वो तो खाली है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। दिस बॉक्स इज एम्प्टी, ये बॉक्स तो खाली है, कहाँ गया मेरा गिफ्ट, ऐसा मम्मी ने पूछा। सानिया एंड सोएब लुक एट ईच अदर, सानिया और सोएब एक दूसरे को देखने लगे, क्यों देखने लगे। देन सानिया सेज, फिर बोले, एक दूसरे को बता रहे थे चल अब बताते हैं, तो बोले सानिया बोली, ओ मम्मी, अरे मेरी मम्मी द बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, अरे मम्मी आप देखो बॉक्स खाली नहीं है। वी ब्लू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ किसेस, हमने इसमें बहुत सारी किसेस डाली हुई है, भरी हुई है आपके लिए। मम्मी को क्या किया है, बहुत सारा किस किया है। इनटू इट फॉर यू, आपके लिए हमने इस बॉक्स में बहुत सारी किसेस भरी हुई है। दे आर योर बर्थडे प्रेजेंट, ये इतनी सारी किसेस जो है वो आपकी बर्थडे गिफ्ट है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। बच्चों ने मम्मी को क्या गिफ्ट दिया है, एक बॉक्स में बहुत सारी किसेस भर के दी है। मम्मी लुक्स एट हर लिटल एंजल्स, मम्मी अपने बच्चों के सामने देखने लगी विथ टीयर्स इन हर आईज, और मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू थे, वो बच्चों से बहुत खुश हो गई थी कि बच्चों ने मम्मी को गिफ्ट दिया है, बहुत सारी किसेस भर के दी है। सी हग्स देम टाइट एंड सेज, मम्मी ने अपने बच्चों को एकदम जकड़ के हग कर लिया, एकदम जकड़ के पकड़ लिया, देख रहे हैं आप पिक्चर में देखा हुआ है ना, गले लगाया हुआ है अपने बच्चों को। एंड सेज दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई हैव एवर गॉट, और मम्मी ने बोला कि ये सब अब तक की सबसे अच्छी गिफ्ट थी जो मुझे मिली है, बहुत सारी गिफ्ट्स मिली है लेकिन ये वाली सबसे बेस्ट थी, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, थैंक यू माई एंजल्स। और बच्चों ने गिफ्ट दिया तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, तो मम्मी ने बोला थैंक यू मेरे बच्चों, मेरे माई एंजल्स। आया समझ में आपको, द बेस्ट गिफ्ट मतलब क्या हुआ, बच्चों ने अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दिया है इसलिए मम्मी खुश हो गई। क्या आपने कभी अपनी मम्मी को ऐसे गिफ्ट दिया है, कोई भी अपने पापा को क्या गिफ्ट दिया है, और कितने खुश हुए आपके मम्मी पापा, है ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उनसे प्यार जताते हैं, प्यार तो सब करते ही है लेकिन जो जताता है वो बहुत ही अच्छा लगता है ना। जैसे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, वो प्यार तो करते ही है, हमें डांटे उसमें भी उनका प्यार होता है, लेकिन जब वो हमें गिफ्ट देते हैं तो हमारा मुंह कैसे खिल जाता है,
अरे वाह, मुझे गिफ्ट मिला। मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है जब बच्चे उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनसे प्यार जताते हैं। तो हमें अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, हमारा प्यार उनकी तरफ हमें जताना चाहिए। कभी कभी उनको भी हमें गिफ्ट देना चाहिए, है ना। तो ये सीखे हम इस चैप्टर से। चलिए अब एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। जो सही है उसको आपको टिक करना है। व्हेन डू सानिया एंड सोहेब गो टू विश मम्मी। सानिया और सोहेब अपनी मम्मी को विश करने कब गए? अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। कब गए थे? अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह गए थे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ पे आपको टिक करना है। व्हाट गिफ्ट डू दे गिव टू देयर मदर। उन्होंने अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट दिया? अ जार ऑफ स्वीट्स, मिठाई दी। अ बार ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स दी। अ बॉक्स फुल ऑफ किसेस, या फिर एक बॉक्स जिसमें बहुत सारी किसेस थी। क्या दिया था? अ बॉक्स फुल ऑफ किसेस। तो वहाँ पे आपको टिक करना है। हाउ डज मम्मी फील आफ्टर नोइंग व्हाट इज इन द गिफ्ट, इन द बॉक्स। जब मम्मी को पता चला कि बॉक्स में क्या है, तो मम्मी को क्या फीलिंग हुआ, क्या हुआ? एंग्री हो गई, वो गुस्सा हो गई, हैप्पी हुई या फिर सैड हुई? हैप्पी हो गई। तो हैप्पी पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट पेज। टाइम टू थिंक, आपको सोचना है। क्या सोचना है? योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ यू, आपके मम्मी पापा आपकी बहुत केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। दे लुक आफ्टर ऑल योर नीड्स, उन्हें आपकी हर ज़रूरत के बारे में पता है, वो आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ने जाते हो तो आपको बुक्स चाहिए होगी, आपको लंच बॉक्स चाहिए होगा, आपको बैग्स चाहिए होगा, तो वो आपको दिलाती है। अगर आपको कुछ खेलना है, कुछ खिलौना खिलौने की ज़रूरत है, तो उन्हें पता होता है कि इस टाइम पे ये खिलौना चाहिए होगा। तो वो आपकी हर नीड जानती है, आपकी हर ज़रूरत जानती है और पूरी भी करती है। दे रिसाइट राइम्स एंड रीड आउट स्टोरीज टू यू, आपको अगर पोएम्स अच्छी लगती है तो वो आपके सामने गाती है, गुनगुनाती है, आपको कहानियाँ सुनाती है, स्टोरीज आपको बोल के बताती है। योर मदर कुक्स टेस्टी फूड फॉर यू, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना, जो आपको पसंद है वो आपके लिए बनाती है। योर, अगर आपको करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो मम्मी आपके लिए अलग से बटाटा मीन्स पोटैटो की सब्ज़ी बनाती है ना, आलू की सब्ज़ी बनाती है ना आपके लिए, हाँ वैसे ही वो आपके लिए, उनका प्यार है, आपके लिए टेस्टी फूड बनाती है। योर फादर टेक्स यू आउट एंड प्लेज गेम विथ यू, आपके पापा आपको बाहर लेके जाते हैं घुमाने फिराने, और आपके साथ खेलते भी है, टाइम स्पेंड करते हैं। दिस आर देयर वेज ऑफ शोइंग देयर लव फॉर यू, ये सब करके आपके मम्मी पापा आपकी तरफ अपना प्यार जताते हैं, वो दिखाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं और कैसे करते हैं, ये कभी आपने दिखाया है अपने मम्मी पापा को? अगर दिखाया है तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा दिखाइए, और अगर नहीं दिखाया है तो आप अपना प्यार उनको दिखाना शुरू कीजिए। आप मम्मी के लिए, पापा के लिए अच्छे अच्छे मतलब गिफ्ट्स लाए, उन्हें अपना प्यार दिखाए, उन्हें तंग ना करे, जो आपको बोलते हैं वो आप उनका सब कहा हुआ माने, ये सब करके आप उनको अपना प्यार जता सकते हो, है ना। चलिए टाइम फॉर अ रियलिटी चेक मीन्स व्हाट इज, देखते हैं। चलिए वी डू नॉट शो अवर लव ओनली बाय गिविंग गिफ्ट्स, हम सिर्फ गिफ्ट्स देकर अपना प्यार जताए, ऐसा नहीं है कि चलो महंगे महंगे गिफ्ट लाओ और दो तो ही हमें पता चलेगा कि हम प्यार करते हैं या फिर हम उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। सिर्फ गिफ्ट्स देके ये नहीं बताया जा सकता। तो क्या होता है? वी कैन शो इट इन मैनी अदर वेज, हम और भी कई तरह से अपना प्यार दिखा सकते हैं, अपना प्यार जता सकते हैं। कैसे? लुक एट हाउ जॉन एंड लिली शो देयर लव फॉर देयर पेरेंट्स, नीचे देखिए लिली एंड जो अपने मम्मी पापा को किस तरह अपना प्यार दिखाते हैं। आई गिव जूस टू मम्मी व्हेन शी वर्क्स, जब मम्मी अपना काम कर रही है तब मैं उसे जूस देती हूँ। ये एक तरह से आपका प्यार ही है जो आप अपनी मम्मी को दिखाते हैं, इसमें कोई आपको गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है,
आप अगर प्यार से अपनी मम्मी के लिए सिर्फ इतना एक जूस या पानी का गिलास लेके जाते हैं, ये भी आपका प्यार ही है उनकी तरफ। आई गिव वाटर टू पापा व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस। आपके पापा काम से वापस आए हैं घर पे, थके हुए होते हैं, अगर आप एक गिलास पानी लेके उन्हें दोगे तो वो भी आपका प्यार है आपके पापा की तरफ। वी हेल्प मम्मी टू क्लीन द हाउस। हम हमारा घर बिगाड़ते नहीं है, मम्मी सब चीज़ें अपनी अच्छे से जगह पे रखती है और हम उड़ाए ऐसा नहीं करते, बिगाड़ना नहीं है। हम मम्मी को हमें क्लीनिंग करने में उनकी मदद करनी है, तो ये भी हमारा उनके लिए प्यार है, ना कि शरारत करने में। आया समझ में? हम अपना प्यार ऐसे भी जता सकते हैं। चलिए टर्न अ पेज। मार्क अ टिक ऑन द थिंग्स यू डू टू शो योर पेरेंट्स दैट यू लव देम। आप कैसे प्यार जताएंगे उसके सामने आपको टिक करना है। अगर ऐसे प्यार जताएंगे तो टिक करना है, अगर नहीं ऐसे जताते तो नहीं करना है। ईट वॉट योर मदर कुक्स फॉर यू। आपकी मम्मी आपके लिए जो भी बनाते हैं आप वो प्यार से खा लेते हैं, ये भी एक प्यार जताने का तरीका है। तो हाँ, हम ऐसा करते हैं नहीं कि चलो ये बनाया ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे लिए कुछ और बनाइए या फिर मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं कहते हैं। जो भी बनाया हम प्यार से खा लेते हैं, ये भी आपका प्यार है। हग एंड किस देम। आप अपने मम्मी या पापा को गले लगाते हैं, उन्हें किस करते हैं, ये भी एक प्यार जताने का तरीका है, तो ये भी हम करते हैं तो टिक करना है। टेल लाइज टू देम। हम उनसे झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं तो क्या हम उनसे प्यार जताते हैं, नहीं, ये गलत बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। लुक आफ्टर देम व्हेन दे आर नॉट वेल। वो अगर बीमार है तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें टाइम पे दवाई देते हैं, अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो देते हैं, तो ये भी प्यार जताने का तरीका है, सही बात है, टिक करना है। डोंट टेक देयर परमिशन बिफोर गोइंग आउट। हम बाहर जाते हैं तो उनकी परमिशन नहीं लेते, हमें वो कुछ मना नहीं करते, बाहर जाने से मना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम उन्हें कुछ बताए ही ना और फट से कहीं पे भी कहीं कोई भी टाइम चले जाए। घर से बाहर जाने से पहले हम उन्हें बता के जाएंगे, उनकी परमिशन लेंगे, ये करेंगे, है ना, उन्हें बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, तो ये गलत बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सर्व देम वाटर व्हेन दे कम होम फ्रॉम आउटसाइड। अगर मम्मी पापा कहीं बाहर से घर में आते हैं तो हम उन्हें पानी ऑफर करते हैं, तो ये भी प्यार जताने का तरीका है, तो टिक करना है। लिसन टू देम व्हेन दे टेल यू टू डू समथिंग। अगर वो आपको कुछ करने के लिए बताते हैं तो आप अच्छे से सुनेंगे, ना कि वहाँ से दौड़ जाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करेंगे, सुनेंगे, तो ये सही बात है, टिक करना है। चलिए अब आपकी बारी। योर पेरेंट्स लव यू। आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, ये तो सही बात है। चलिए, दे नोज ऑल योर फेवरेट थिंग्स। उन्हें आपकी सब अच्छी आदतों की या फिर आपको क्या क्या बहुत पसंद है वो आपकी सब फेवरेट चीज़ें जानते हैं। डू यू नो देयर फेवरेट्स। क्या आपको पता है कि आपकी मम्मी पापा को क्या पसंद है? फिल दिस टेबल टू फाइंड आउट। आपको ये टेबल उसके हिसाब से फिल करना है। कलर, तो आपकी मम्मी को कौन सा कलर पसंद है? अगर पिंक तो यहाँ पे आपको लिखना है पिंक, अगर वाइट तो लिखना है वाइट, कोई भी कलर हो यहाँ पे आप जो भी आपकी मम्मी को पसंद है वो यहाँ पे लिखना है, और पापा को पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, देखते हैं किनको अपने मम्मी पापा की पसंद ज़्यादा पता है। चलिए, डिश, आपके मम्मी पापा को कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या खाना उन्हें अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ड्रेस, आपके मम्मी पापा को कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने के लिए वो यहाँ पे लिखना है। सीज़न, कौन सी सीज़न ज़्यादा पसंद लगती है, विंटर मॉनसून समर कोई भी, जो भी अच्छी लगती हो यहाँ पे लिखना है। स्वीट डिश, कौन सी मिठाई उन्हें पसंद है वो लिखना है। ड्रिंक, कौन सा ड्रिंक उन्हें पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। गेम, वो कौन सी गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। प्लेस, उन्हें कौन सा प्लेस, कौन सी जगह, कहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है, कौन सी प्लेस वहाँ उनकी फेवरेट है वो यहाँ पे लिखना है। एक चीज़ मम्मी की, एक चीज़ पापा की, दोनों की एक एक फेवरेट चीज़ लिखनी है यहाँ से देख कर। पूछना नहीं है मम्मी पापा से, कुछ पूछना नहीं है, खुद से लिखना है कि कौन सा कलर उन्हें पसंद है, तभी पता चलेगा कि आप अपने मम्मी पापा को कितना
जानते हो कितना प्यार करते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। पुट टुगेदर, राइट व्हाट द फैमिली मेंबर्स आर डूइंग टू शो देयर लव फॉर ईच अदर। वो अपना प्यार एक दूसरे के जताने के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको देखकर लिखना है। कहाँ से देखना है, ये नीचे क्लू दिए हुए हैं। चलिए क्लू क्या है, स्पेंडिंग टाइम, गिविंग फ्लावर्स, हगिंग, प्लेइंग, किसिंग एंड हेल्पिंग। ये क्या कर रहे हैं मम्मी पापा, एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं, तो गिविंग फ्लावर्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है गिविंग फ्लावर्स। ये दादाजी और ये बच्चा दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर टीवी देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्पेंडिंग टाइम। ये है एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, तो क्या आएगा हगिंग, यहाँ पे लिखना है आपको हगिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्ची, किस कर रही है अपनी मम्मी को, क्या लिखेंगे किसिंग। ये दोनों खेल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग। ये बच्ची अपनी दादी को या अपनी मम्मी को चीज़ दे रही है तो ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, तो क्या लिखेंगे हेल्पिंग। आ गया समझ में आपको, चलिए अच्छी बात है। अब आपका होमवर्क जो सिखाया, पेज नंबर 8, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11, ये तीन पेज आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं। और ये किसके बारे में थी, था चैप्टर अपने मम्मी पापा से प्यार करने के बारे में, उनके बारे में अच्छा जानने के लिए, हम उनको कैसे अपना प्यार जताते हैं उसके बारे में, हमें उनको कभी कभी ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहना चाहिए, है ना। चलिए थैंक यू।